हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने सक्सेस मंच के साथ। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट 2019 का सिलेबस लेकर आई हूँ, जो कि पेपर वन है, जो 1 to 5th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं सीटेट के लिए उनके लिए। और यहाँ मैं आपको पूरा सीटेट की जितने भी पेपर हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें उसकी पूरी तैयारी कराऊंगी विद क्वेश्चन बैंक के साथ। तो हमारा ये जो नई सीरीज़ हमारी चल रही है, इसको आप लोग कंटिन्यूस देखिए, क्योंकि सीटेट की पूरी तैयारी सक्सेस मंच की है जिम्मेदारी। हम लोग यहाँ पर सीटेट के 2019 का सिलेबस पेपर वन जो होता है, अभी हम फिलहाल पेपर वन को लेकर चलेंगे, क्योंकि साथ के साथ सारा एक साथ कवर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 7 जुलाई को भी पेपर है, आप लोगों को पता है। इसीलिए हम लोग सिर्फ अभी पेपर वन कराएंगे। अगर पेपर वन कंप्लीट जल्दी हो जाता है तब हम पेपर टू लेकर आएंगे। यहाँ पर हम लोग आपको बता रहे हैं कि जो भी हम यहाँ कराएंगे वो 100% सटीक होगा और एग्ज़ाम में आने के उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। हम लोग जितना भी कराएंगे उसके अगर आपने वो चीज़ें मेमोराइज कर ली तो सीटेट आप लोगों का पक्का है। यहाँ पर हम लोग हर एक सब्जेक्ट, जैसे कि पेपर वन में हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, और जो भी सब एनवायरनमेंट होता है, मैथमेटिक्स होती है, ये सारी हम लोग यहाँ पर तैयारी आपको कराएंगे विथ पीपीटी। और ऐसी पीपीटी होंगी जो शॉर्ट होंगी और आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी। आप हमारी एक दो ही सीरीज़ देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमारी पीपीटीज़ कितनी अच्छी हैं और आप लोगों को मेमोराइज़ कराने में कितनी फास्ट हैं ये लोग। क्योंकि जब आप पिक्चर के थ्रू कोई चीज़ याद करते हैं, जब आप पिक्चर प्लस कंटेंट एक साथ लेके चलते हैं, तो आपकी मेमोरी बहुत जल्दी उसे ग्रैप्स करती है और लर्न करती है। प्लस हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी लेकर आए हैं। अगर मैथमेटिक्स जैसे हमारा कंप्लीट हो जाता है, मैथमेटिक्स के बाद उसके क्वेश्चन करीब 500 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आएंगे। ऐसे ही अगर हमारा यहाँ पर हिंदी कंप्लीट हो जाता है तो हिंदी के क्वेश्चन बैंक आपके सामने आएंगे, और ऐसे क्वेश्चन बैंक जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होंगे जो आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसके लिए सीटेट 2019 का सिलेबस हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद लगातार कॉन्टिन्यूसली मैं आपके सामने वीडियो आएंगी, 1, 2, 3, 4 ऐसी वीडियो सीरीज लगातार आएंगी, चाहे वो चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर हो, हिंदी के ऊपर हो, मैथमेटिक्स के ऊपर हो, एनवायरनमेंट के ऊपर, लगातार आपके सामने वीडियोस आएंगी, शॉर्ट वीडियोस, ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गेन कर सकें। तो चलिए, इससे पहले हम लोग जब अपना ये टॉपिक कंटेंट ख़त्म करेंगे, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस पेपर में क्या क्या आ रहा है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। उतने लिमिटेड टाइम में अगर आप लोगों ने तैयारी शुरू नहीं की है, तो अगर आज से भी आप तैयारी हम लोगों के साथ शुरू करते हैं तो आप बहुत आराम से सीटेट क्लियर कर सकते हैं। और इतना मैं इसलिए कह रही हूँ श्योरिटी से, क्योंकि मैंने भी बहुत ही कम टाइम में सीटेट क्लियर कर चुकी हूँ मैं, इसलिए आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ कि बहुत ही आसानी से आप लोग लिमिटेड समय में, क्योंकि हमने जो कंटेंट यहाँ तैयार किया है वो NCERT के बेस पे तैयार किया है, और जो एग्ज़ाम आता है सीटेट का, चाहे वो पेपर वन हो या पेपर टू हो, वो NCERT के बेस पर आता है। वैसे तो मैंने पेपर टू दिया था, पेपर टू क्लियर किया है, लेकिन पहले मैं पेपर वन लेकर आऊँगी, उसके बाद मैं पेपर टू पर आऊँगी। तो चलिए पहले सिलेबस देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे क्या हमें शुरू करना है, कौन से सब्जेक्ट से हम शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो जैसा आपके सामने सिलेबस दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पर दिया हुआ है पेपर वन फॉर क्लासेस 1 to 5th प्राइमरी स्टेजेस। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसी तरह आप यहाँ पर पूरा टॉपिक देख सकते हैं, ये हम एक एक टॉपिक आपको कवर कराएंगे विथ टॉपिक वाइज हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर जो भी आपके सामने स्लाइड्स आएंगी, PPTs आएंगी या वीडियोज हम लोग जो प्रोवाइड करवाएंगे वो टॉपिक वाइज करवाएंगे। इसमें कोई भी कंटेंट टॉपिक से बाहर नहीं होगा और हम एक्स्ट्रा कोई भी यहाँ पर नई चीज़ें करेंगे जिससे आप लोग टॉपिक से भटक जाए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं
कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, इस पे 5 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। फिर लर्निंग एंड पेडागोजी, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर लैंग्वेज 1, इसमें लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन 15 क्वेश्चन, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह लैंग्वेज 2, इसमें कॉम्प्रीहेंशन 15 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 30 क्वेश्चन, जिसमें से कॉम्प्रीहेंशन 15 क्वेश्चन और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इसमें से भी 15 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हमारा मैथमेटिक्स होगा, मैथमेटिक्स में से 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से कंटेंट में जैसे कि जो नॉर्मल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें से ज्योमेट्री हो गया, शेप्स एंड स्पेक्ट्रल अंडरस्टैंडिंग हो गया, और सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स एंड मनी, ये जो टॉपिक है कंटेंट, इसमें से पर्टिकुलर क्वेश्चंस बन के आएंगे, जैसे आप लोगों ने 9th-10th में किए होंगे उस टाइप से। तो 15 क्वेश्चन आएंगे, और पेडागोजिकल इश्यूज जो होंगे उनमें से 15 क्वेश्चन आएंगे कि आप लोग कैसे मैथमेटिक्स क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, कैसे टीचिंग होगी, कैसे एरर एनालिसिस होता है, ये सब इससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट होगा एनवायरमेंट स्टडीज, इसमें से भी 30 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन कंटेंट से रिलेटेड होंगे और 15 क्वेश्चन पेडागोजिकल इश्यूज होंगे। कंटेंट से रिलेटेड आपको जैसे ही पता है एनवायरनमेंट में फूड होता है, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंक वी मेक एंड डू, इस टाइप से, तो यहाँ आपका खत्म होता है। तो आप इससे समझ गए होंगे आपके 5 पेपर होंगे, सारे ही 30-30 मार्क्स के होंगे और इस हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अब आप यहाँ सिलेबस देख लीजिए और ध्यान में रख लीजिए। अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर पूरा वीडियोस कराऊंगी, पूरा ये प्रिपरेशन कराऊंगी, और ये जो एक एक वर्ड हम इसी से उठाएंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे, सारा टॉपिक यहीं से करेंगे। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और इस सिलेबस को पूरा करने में हमारा साथ दीजिए। और हमारा जैसे UPPSC मेंस का सिलेबस चल रहा है वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा, उसके जो एस्पिरेंट्स हैं वो परेशान ना हो कि ये नई सीरीज़ हमने नेक्स्ट सीटेट के बच्चों के लिए लाई है, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम में करीब 2 महीना ही रह गया, 2 महीने से भी कम टाइम है। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज़ लेकर आई हूँ ताकि ये उन लोगों को काम आ सके, क्योंकि हमारे पास इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सीटेट से रिलेटेड कोई वीडियोस बनाइए, तो उनके लिए ये पूरा पैकेज लेकर आई हूँ वीडियोस का। और आप देखेंगे और आप देखकर खुद महसूस करेंगे कि बहुत ही इजी वे में, जैसे हम लोग और सब्जेक्ट पढ़ते हैं वैसे ही सीटेट करेंगे और 100% इसमें से आप लोग सीटेट क्लियर कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ध्यान से हमने ये जो भी वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के लिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगे आपको हमारी सीरीज़। हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।